नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को मार डाला, पत्नी ने अवैध संबंध छिपाने रची साजिश, शराब में मिला दी सल्फास की गोलियां। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। दोनों के अवैध संबंध की भनक पति को लग गई थी, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। दरअसल 7 जून को रेहुंटा स्थित शराब दुकान के पीछे नरेंद्र श्रीवास 25 वर्ष की लाश मिली थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइबर सेल की मदद से मामले की जांच शुरू की, जिसमें प्रेम प्रसंग का एंगल निकला। नरेंद्र की पत्नी पूजा श्रीवास का राकेश श्रीवास 29 वर्ष के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी नरेंद्र को लग गई थी, जिस कारण इनके बीच विवाद होता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने और प्यार को पाने के लिए हत्या की साजिश रची गई। प्लानिंग के जरिए उसे मुख्य आरोपी राकेश श्रीवास ने शराब पीने के लिए बुलाया, क्योंकि उसे शराब पीने की आदत थी। पहले दोस्तों के साथ मिलकर जमकर शराब पिलाई और उसके पैगर में सल्फास की गोलियां मिला दी। उतने में भी मन नहीं भरा तो पीटा और तौलिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान पत्नी की कॉल डिटेल निकाला तो पता चला कि राकेश श्रीवास के साथ वो लगातार बातें करती थी। तब पुलिस को अहम सुराग मिला। पूछताछ में पहले गोलमोल जवाब देने लगे, लेकिन जब सख्ती बढ़ती गई तो जुर्म कबूल कर लिया। हत्या करने के बाद शव को शराब दुकान के पीछे फेंक दिया था। एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल का कहना है कि इस मामले में पत्नी पूजा श्रीवास, मुख्य आरोपी राकेश श्रीवास, शिवम साहू 19 वर्ष, विनोद श्रीवास 44 वर्ष, सत्यनारायण श्रीवास 31 वर्ष और विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 2 लोगों को बिलासपुर से हायर किया था। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।